हाँ जी सीमा जी आई एम ओडेबल हेलो सीमा कैसे हो सर वेरी फाइन साउंड सही है यस सर ओके ठीक आ रही है बिल्कुल ठीक आ रही है हाँ जी तो सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा ओके सर सर आई डिड माय बीकॉम एंड एमकॉम इन फर्स्ट डिवीजन इन टू थाउजेंड टेन after that i qualified dutch in 2016 in my very first attempt and uh, i qualified net in 2019 that was also in was my first attempt and uh, i have a teaching experience of six years as i give i run my own coaching center at home okay and uh, i have in one year experience uh, in college also तो सबसे पहले बताइएगा कि जो आप प्लस वन टू की क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या अपने रूल या एक्सपेक्टेशन क्या आप सेट करोगे सर रूल्स जो सेट करने हैं वो सबसे पहले तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा क्लास में आफ्टर दैट स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ रूल्स जो है आई विल क्रिएट रूल्स फॉर द क्लास ट अगर... है, suggestions, uh, suggestions for the, for है तो इससे ये लगेगा पॉजिटिव एन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो रूल्स और रेगुलेशन जो क्रिएट होंगे वो सर उनको इन्वॉल्वमेंट के साथ स्टूडेंट्स के ठीक है जी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनरोलमेंट नहीं मतलब आप बोल सकते जैसे आपने बोला कि डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे ऐसा इनरोल नहीं होना चाहते नहीं। तो उनके बिहेवियर चेंज को आप कैसे हैंडल करोगे ओके सर उनके बिहेवियर उनको सर बता के कि अगर आप इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं वहां पर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अगर आप अभी से इन्वॉल्वमेंट देते हैं डिसीजन मेकिंग में तो ओके okay. मींस अगर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आई विल टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस तो लेवल का कैसे पता चलेगा कि उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है जब आप क्लास में सर अगर हम हां जी सर जब आप क्लास में फर्स्ट डे गए हो तो आप कैसे पता चलेगा कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल क्या है सर वो तो अब उनके साथ जब मैं बात करूंगी तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा कि आप अगर रूल्स मेकिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं या फिर कोई भी चीज है अगर आप इन्वॉल्वमेंट देते हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा टेल अस अबाउट कॉमर्स एजुकेशन जी सर सर कॉमर्स एजुकेशन है गिविंग एजुकेशन अबाउट द ट्रेड इंडस्ट्री गिविंग नॉलेज

का टॉपिक क्यों दिया जाता है क्या उसकी सर अकाउंटिंग हाँ जी सर अकाउंटेंसी uh, बोल सकते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन हाँ जी सर दे, accounting. देखो दो अलग अलग है मैं पूछ रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जो पढ़ा है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल। जो लाइबिलिटीजें हाँ जी सर ठीक। okay. और अकाउंटेंसी एजुकेशन क्या होता है अकाउंटेंसी एजुकेशन है सर बच्चों को अकाउंट्स के बारे में सारी नॉलेज देना मीन्स जिसमें इंक्लूड होंगे कि की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी आ, गिविंग नॉलेज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन

कम्युनिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द यूजर्स तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है What is source document? Uh, source of document, सबसे पहले सर जो एंट्रीज हमारी जहां से हम एंट्रीज uh, को रिकॉर्ड करते हैं वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जैसे की आई थिंक इनवॉइस जैसे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जो बिल्स बनेंगे सर वो सारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जो मतलब एविडेंट होते हैं Uh, किसी भी ट्रांजेक्शन का के ये ट्रांजेक्शन हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है है कि जब सबसे पहले बिजनेस की जाती है, तो जर्नल या लेजर में ही क्यों की जाती है डायरेक्ट बैलेंस शीट में क्यों नहीं करते सर डायरेक्ट सर एक प्रोसीजर है ना सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट डेबिट सबसे पहले डेबिट की एंट्री होगी आफ्टर दैट क्रेडिट तो उसकी एक इक्वेशन बनाई जाएगी डेबिट एंड क्रेडिट तो सबसे पहले जनरल में ही एंट्री होगी हो तो सकते ना, एंट्री. वो बात समझ में आ गया कि जर्नल में हम क्यों लिखते हैं उसका रीजन क्या ना हर चीज के पीछे कुछ कुछ तो रीजन है ना जैसे लेजर के रिगार्डिंग है कि डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल करने की तो जर्नल में क्यों लिखते है सर जर्नल में द रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करने के लिए ही सबसे पहले हमने एक कोई भी काम करेंगे तो फाइनल लिस्ट तो नहीं बनेंगे उसके लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी तो उसके लिए जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं क्या सभी कंपनियां जर्नल में ही रिकॉर्ड करती है या कुछ कंपनियां जर्नल की बजाय डायरेक्ट सर अभी तक तो यही पढ़ा है कि सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो सर हर एक अकाउंट होता है वो दो एंट्रीज दो अकाउंट्स को जो है इफेक्ट करता है दैट इज डबल अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वह वन अकाउंट डेबिट एंड सेकंड अकाउंट इज एंड क्रेडिट दैट विल बी इफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन दैट इज डबल एंट्री सिस्टम कॉमन सील क्या होती है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन सील सर कोई भी कंपनी होती है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर द कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ सो द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड कॉमन सील डिजिटल सिग्नेचर यस बताइएगा कि आर्टिफिश सॉरी कर्ता क्या होता है व्हाट इज द हेड ऑफ द ज्वाइंट इंदू फैमिली इज द पर्सन इज हुज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड ही इज वो हर चीज के लिए वहां पर मीन्स एवरीथिंग इज डन बाइंट ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली फॉलो करता करता ऑफ द फैमिली नो सर नेवर माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है सर उसमें भी कुछ uh, वो होती है लिमिट्स होती हैं कर्ता तो, में करता जैसे आपने बताया कि जॉइंट हिंदू फैमिली तो अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है तो बाय बर्थ ही उसका मेंबर बन जाता है या अब वो 18 ईयर बनता है सर देयर आर टू मिताक्षरा एंड दयाभाग भाग आर द इसके मतलब कह सकते हैं कि मिताक्षरा और दयाबाग दो टाइप्स के होते हैं इसमें मिताक्षरा में जो इन आपका हमारा एप्लीकेबल है अस, एक्सेप्ट असम असम बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा पूरी कंट्री में ये एप्लीकेबल है वहां पर बाय बर्थ ही बच्चा जो है वो बन जाएगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली मेम का मतलब वहां का उसका मेंबर और वो उसके ऊपर उसका सारा का सारा राइट जो है वो उसपे हो जाएगा एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे लेकिन दया भाग में क्या होगा वो जो की आसाम बेंगाल और समर पार्ट ऑफ उड़ीसा मेंबल है वो बाय बर्थ नहीं होता आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर ही कैन बी दी कैन गेट दार्ट इन द प्रोपर्टी प्राइवेट कम, प्राइवेट सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल आप दे पाओ तो प्राइवेट सेक्टर ओके सर सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एंडली आर दाइवेट ऑनरशिप ओके पार्टनरशिप में आपने सुना होगा की दोनों अडल्ट होने चाहिए या yes, तो एक माइनर हो तो भी काम चल जाएगा सर जेंडर और स्पेशल हो सकते हैं माइनर uh, तब हो सकता है माइनर कैन बी पार्टनर इन द प्रोफिट ओनली तो सर नहीं माइनर नहीं हो सकता दो कम से कम दो होंगे तो वो दोनों एडल्ट होने चाहिए सर आई थिंक सो पब्लिक सेक्टर जो होता है उसमें आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है सर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो सारे गवर्नमेंट के अंडर जो सारी ये कंपनीज जो हैं वो बनाई जाती हैं वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है डिपार्टमेंटल तो फिर गवर्नमेंट और... कंपनी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का फिफ्टी वन परसेंट शेयर होता है उसमें प्राइवेट कंपनी भी अपना शेयर डाल सकते हैं या फिफ्टी प्लस शेयर होना कंपलसरी है फिफ्टी वन मिनिमम होना चाहिए फिफ्टी प्लस से काम नहीं चलेगा आप ये कहना uh, चाहते फिफ्टी प्लस सर फिफ्टी वन ही तो होगा <laughs> जरूरी नहीं है आप मुझे प्लस पे आप टिकोर देनिफ्टी और फिर अगर आप कहते हैं इसको करेक्शन कर लेती हूँ मैं कि अगर फिफ्टी प्लस होगा बट मैंने तो यही पढ़ा है की फिफ्टी वन मिनिमम होना चाहिए तो इसलिए आ, मैं वही पूछ रहा में तो इक्वल तो तो हो जाएगा मोर देन फिफ्टी कहना ठीक है सर मोर देन फिफ्टी कहना भी ठीक है बट फिफ्टी वन कहना भी बात आपके पास दो ऑप्शन है किसी एक को चूज करना है हाँ जी सर मोर देन फिफ्टी या मोर देन फिफ्टी वन अब बताइएगा सर मोर देन फिफ्टी मोर देन फिफ्टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फर्म के डेप्ट क्या होते हैं फर्म डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट में डिफरेंस बताइएगा सर फॉर्म डेप्ट है जो पूरे पार्टनरशिप uh, फॉर्म ने बाहर से जो लोन uh, लिया है दैट इज वो मतलब पूरे सभी पार्टनर्स का uh, सभी पार्टनर्स के लिए वो डेप्ट है और इंडिविजुअल डेप्ट डेप्ट जो है वो एक परस, मतलब पर्सनली किसी पार्टनर ने जब लोन लिया होगा बाहर से दैट इज इंडिविजुअल गवर्नमेंट कंपनी क्यों एस्टेब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा रीजन क्या है गवर्नमेंट कंपनी का खासकर अगर मैं बात करूं तो पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत से ऐसे पार्ट है नहीं सर बहुत से ऐसे फील्ड है जहां पर प्राइवेट कंपनीज जो है वहां पर आ, जैसे कि एस्टेब्लिश करना ठीक नहीं जैसे आ, आ, जो एटम्स हैं और डिफेंस ये जो कंपनियां रेलवे है इनको प्राइवेट कंपनीज जो है वो हैंडल करना ठीक नहीं है और उसके लिए गवर्नमेंट उनको अपने अंडर में लेती है और गवर्नमेंट कंपनी बनाना जैसे कि इजी भी है उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जैसे परमिशन लेने में उनको इजी रहेगा जो गवर्नमेंट कंपनीज बनाएंगी वैसे मेन रीजन गवर्नमेंट कंपनी बनाने का ये है कि जिन जिन फील्ड को प्राइवेट कंपनीज हैंडल नहीं करने या सेफ नहीं है प्राइवेट कंपनीज को हैंडल करना तो गवर्नमेंट कंपनी बनाई जाती हैं। ओके okay. अगर फर्म में लॉस होता है तो उसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे? ओके सर सर सबसे पहले तो जो फर्म के प्रॉफिट्स uh, हैं सबसे पहले uh, uh, प्रॉफिट्स um, को लिया जाएगा प्रॉफिट्स में से हम लॉसेस को पे करेंगे आफ्टर दैट वी विल टेक द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स पार्टनर्स उनकी कैपिटल को लिया लिया जाएगा और एज द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर द पार्टनर सो आफ्टर दैट वी वी कैन टेक फॉर्म कैन टेक द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो आफ्टर दैट रियलाइजेशन काउंट क्या होता है

मैं रिवेलुएशन की बात कर रहा हूँ अच्छा सर ओके सर दैट यू आर आस्किंग फॉर रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी पे शो किया जाएगा okay. और realization में? Realization में दोनों होते हैं, सर बुक वैल्यू भी और जो हमने अमाउंट रियलाइज किया वो भी पब्लिक कंपनी क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271

फ्टर दमेंडमेंट इट दिस कंपनी कोई एक डिफरेंस लिबरलाइजेशन है रेस्ट्रिक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स उसको लिबरलाइज कर देना खोल अपने दरवाजे बाहर के कंट्रीज के लिए खोल देना लिबरलाइजेशन है तो और प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफर हाँ जी सर ग्लोबलाइजेशन में फिर क्या आएगा अगर अपने दरवाजे बाहर तो के तो ग्लोबलाइजेशन में तो इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज एलपीजी के एक वर्ड यूज करते हैं डिस ये किससे रिलेटेड करते हैं डिस इज रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन ओके गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है और उसका क्या impact government... है business पर business और industry दोनों पर बता सकते आप? जी सर सर गवर्नमेंट uh, पॉलिसी बहुत सारी है लाइसेंसिंग पॉलिसी या को मतलब क्या कह रहे हैं, सर? कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस और इंडस्ट्री सर okay, इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा okay, सर जैसे अगर कंपनी कर देती है मींस जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटा देती है ये पॉलिसी बना देती है कि जितने भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा तो उससे हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो बढ़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत इजी हो जाएंगे एक्सपोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे मतलब सॉरी इम्पोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे और जिन चीजों की जरूरत है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डीमोनीटाइजेशन क्या होता है डिमोनीटाइजेशन होता है सर मींस कोई भी जो नोट्स है उनको मीन्स जैसे अभी टू थाउजेंड के नोट को खत्म किया था वो डीमिटाइजेशन मनेट, है।, है क्या हुआ था उससे काला धन वापस आ गया सर गया? बहुत इम्पैक्ट आता है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर डीमोनिटाइजेशन का मीन्स एक तो जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारी डिक्लाइन हो जाएंगी मतलब सब कम होएगी और मीन्स uh, uh, जो हमारा बिजनेस है वो वो मतलब सॉरी रेसेशन आ जाएगा सर क्योंकि सर लोगों के पास उस टाइम पैसा नहीं होगा पे करने के लिए या फिर कुछ भी परचेज करने के लिए लैंड के जो प्राइजेस हैं वो डाउन चले जाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन ओके सर Planning is related with future. Planning होती है सर, future के लिए objectives and goals settlement करना और अगर हमारे पास हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव और गोल्स हमारे क्लैरिफाइड है तो हम उस डायरेक्शन में जा, उस direction में वर्क कर सकते हैं सो प्लानिंग इज रिलेटेड विद डायरेक्शन प्लानिंग का कंट्रोलिंग के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है यस सर ऑफकोर्स हैिंग इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इज स्टार्टेड विद प्लान मीन्स हम जो स्टार्टेड विद द सेटिंग ऑफ ऑफ ऑब्जेक्टिव और जो वो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो हम हमने जो प्लानिंग करी है मीन सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव होगी आफ्टर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस हम देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का सेटिंग उनसे जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कंपेरिजन होगा और फिर हम देखेंगे क्या करेक्टिव एक्शंस है तो हमने जो प्लानिंग की थी आ, हमने फ्यूचर के लिए वो हमने अचीव किया या नहीं वो कंट्रोलिंग से हम चेक करेंगे सर

नहीं सर yes. उन्होंने सर वहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ओके okay. हरियाणा कौन से स्टेट से अलग हुआ है और कब हुआ है सर पंजाब से अलग हुआ था और 1966 सिक्सटी सिक्स में बना था तभी तो अलग होके बना है स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा कौन है व्हाट इज एनिमल ऑफ हरियाणा सर ब्लैक डियर ठीक है और बर्ड बर्ड सर फीजन है आई थिंक ब्लैक फीजन काला तीतर काला तीतर हाँ जी तो सीमा जी ये था आपका इंटरव्यू अच्छा रहा ओके आपका okay, और जहां जहां पर आपको काम करने की जरूरत है एक तो आपका जैसे कि बिहेवियर चेंज के बारे में आप बता रहे थे जैसे मैंने तो क्वेश्चन इसको हाँ थोड़ा सा रिलेट करके पूछ लिया था प्रीवियस क्वेश्चन से ही

अकेले डिसीजन ना लेकर सबको इकट्ठा किया जाए एक तो ये रहेगा और दूसरा कॉमर्स एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा नहीं बता पाए अच्छे से आपने कॉमर्स एजुकेशन के बारे में क्या बताया था थोड़ा सा बताओगे याद हो तो आपको हाँ जी सर मैंने बताया था कि कॉमर्स एजुकेशन यस सर वोकेशनल कॉम्पिटेंस हम ला सकते हैं कॉमर्स एजुकेशन में वोकेशनल कॉम्पिटेंस अब इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सिक्स क्लास से स्टार्ट हो रहा है वोकेशनल एजुकेशन एजुकेशन कॉमर्स का मतलब ही टीचर बनाना है या बिजनेसमैन बनाना है नहीं सर बिजनेस खाली टी, टीचर बनाना नहीं है सर वो, खाली टीचर बनाना तो सर हो ही नहीं सकता कॉमर्स से जो रिलेटेड टू बिजनेस हम जो एजुकेशन देंगे बच्चों को जो स्किल्स और नॉलेज मेन मोटिव है बनाना अच्छा एक आपने बताया था कि इंडस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं हम्म प्राइमरी हाँ जी सर सेकेंडरी एंड टेरिटरी टेरिटरी नहीं होता क्या होता है सर टेरिटरी किसको बोलते हैं मेरे हिसाब से क्या होता है टेरिटरी सर जो सारे की सर्विसेज हैं सारी अच्छा जी सर्विसेज है सर बैंकिंग हाँ जी सर टेरिटरी बोलते हैं आप बताइए है? सर नहीं टेरिटरी बोलते हैं टर्सरी तर... तर... सर मैंने तो आज तक टेरिटरी बोला है और सुना भी यही है सर मैंने तो ओके okay. सर मैं चेक कर लूंगी चेक okay. करूंगी आई विल कमेंट कर देना है? हाँ जी सर, okay, सर, हाँ, एक अकाउंटिंग जो आपने साइकिल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सर सच okay. में अभी बिल्कुल तैयार नहीं किया था मैंने सारा बिजनेस स्टडीज ही कर पाई थी मैं एक दिन में अभी फिलहाल ओके अकाउंटिंग प्रोसेस को ही अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं बस यही था कि okay, आप अकाउंटिंग साइकिल नाम लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इसके अलावा कुछ नहीं था इसमें ओके okay, सर इसके बाद था सर अकाउंट न... ना मेरी आप कह रहे थे श्योर हो आप क्या सर अकाउंटिंग इक्वेशन हाँ हाँ आएंगे अभी धीरे धीरे उन पे भी आएंगे जहां तक सीरीज वाइज चल रहे हैं मैंने टिक मार्क किया हुआ है भी कहाँ कहाँ पर क्या कुछ है उसके रिगार्डिंग ठीक है एक आपने बोला कि कॉमन सील के रिगार्डिंग की डिजिटल सिग्नेचर वहां पर आएगा ऑफिशियल सिग्नेचर ओके सर नोट डिजिटल ठीक है ओके सर और इसके अलावा हाँ गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग शायद आपने कुछ बोला था वन परसेंट फिफ्टी वन एंड मोर आएगा जी इसका ना कि ओके सर हाँ आपने बताया ठीक था फिर मैं आपको चेक करना चाहता था कि श्योर हो या ऐसे हो सर मोर देन ही तो होगा मतलब मेरे को था था कि मैं, मैं एग्जाम एक एक तो उसमें यही पूछा गया था मोर okay, तो सर तो okay. okay, और एक एफ पी ओ फर्दर पब्लिक ऑफर ठीक है जब okay, आपका एक ही फेस वैल्यू का शेयर जब दोबारा इश्यू करोगे ना तो फर्दर वर्ड आ जाएगा हाँ जी ओके okay. और गवर्नमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग जैसे कि आप बता सकते हो जैसे आपको पता जी गवर्नमेंट पॉलिसी तो बहुत सारी होती हैं जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया इंडस्ट्री हो गया ठीक है ना तो इसके जी जी आप एक एक दो दो पॉइंट बता सकते हो जैसे सर की गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर चेंज लाइक like वो लाइसेंसिंग uh, पॉलिसी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे लिबरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर कम्पिटिशन बढ़ जाएगा ठीक है सकते हो इनोवेशन पड़ेगा कंपनीज़ को नई नई टेक्नोलॉजी को अगर जैसे अभी ये गवर्नमेंट है टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप वगैरह के लगाव पे या फिर जो भी है तो उसका भी फर्क पड़ता है डिमोनेटाइजेशन का आपका ठीक था और कुल मिला आपका सारा ही ठीक था कोई गलती नहीं था बस जो था वो मैंने बता दिया और इसके अंदर बार, बार बार जैसे अभी तो ये है कि जैसे कि आपको एक यूनिट दी गई है प्रैक्टिस के लिए तो थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा बता पाए फिर ऐसे ऐसे करके आपको जैसे आपकी नेक्स्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो आप ये कम से कम फाइव क्लासेज आपके पास होगी ठीक है ऐसे फिर पहले वन है फिर फाइव है फिर टेन होगा फिर ऐसा भी होगा जब आपका दो तीन बार इन फुल फ्लैश इंटरव्यू होगा जहां से पता नहीं कहाँ से क्या पूछेंगे तो उसके अंदर ज्यादा कुछ पता चल जाएगा तो ठीक है तो थोड़ा ओके सर okay, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो ओके सर सर अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे भी पूछ लूंगी <laughs> अभी तो मैंने सर तैयार किया था कुछ कुछ आती है सर जैसे कि ये आता है मैंने आपका रीड किया था वो क्लास फाइव से जिसमें प्रोक्टिव अप्रोच था कि भाई अगर बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है तो प्रोक्टिव अप्रोच अपनाएंगे और एक था एक था हाँ जी सर रेट्रो से था। इस टाइप से कुछ था ना जी एक था हां जी सर वो दोनों मुझे समझ नहीं आई कि क्या इन दोनों है का मतलब तो पहले से ही आप डिसाइड करके चलोगे भी अगर ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं जैसे आप क्लास में एंटर करोगे तो ये नहीं की बच्चा गलती करेगा तब मैं सोचूंगी क्या करना चाहिए आप पहले से ही आपको लगता है आपको पता है जब भी क्लास में एंटर करोगे तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट है ही नहीं और गवर्नमेंट जॉब तक जाओगे जब आप पीजीटी में जाओगे तो वहां का माहौल आपको पता है <laughs> तो वो थोड़े से ज्यादा चंचल होते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है ये आपके दिमाग में पहले से ही होगा जब क्लास में एंटर करोगे ठीक है okay, पहले नहीं करते थे या शायद अब भी करते होंगे कि जो शरारती बच्चा था होता था उसको मॉनिटर वगैरह बना देते थे या उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी okay. वाला काम देते थे उस टाइप से आपको okay. ही तैयार कर चलना पड़ेगा और रेट्रोरेटिव अप्रोच का मतलब होता है भी कि जब हम उसके बिहेवियर को समझेंगे तो एज ए पॉजिटिव वे में बच्चे को एनरोलमेंट करके मतलब उसको ऐसे बोलेंगे ठीक है बेटा कर लेगा तू संभल देते हो मजबूत उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो ठीक है ना ऐसा नहीं कि भी तेरे से नहीं होगा ऐसा नहीं होगा थोड़ा पॉजिटिव मैनर में आप बोल सकते हो उसको okay. हम ठीक है ठीक okay, तो सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में okay, okay, सार। सार। थैंक